Moti Daman Fort. It has a beautiful entrance. Good morning, bom dia, namaskar, kem chho Gujarat. कैसे आज सर्व माजन आवा है आरजे दीपक और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है. आज मैं आया हूँ वापी से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो है दमन. इट्स ओल्ड पोर्चुगीज सिटी विच इज़ नाउ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. जैसे दादरा और नगर हवेली है वैसे दीव और दमन में के दमन पे आया हूँ जो वापी से बहुत नज़दीक है. सिलवासा से भी करीब ही है. ये जो फोर्ट दिख रहे हैं आपको इसको मोटी दमन फोर्ट कहते हैं. अब वो पुराने लैंग्वेज में शायद मेजर फोर्ट वो कहते होंगे. यहाँ पे दो फोर्ट है दमन में. एक नानी दमन, नानी यानी कि स्मॉल, और मोटी यानी कि बड़ा वाला फोर्ट. तो ये बड़ा वाला फोर्ट है. पोर्चुगीज का रूल था दमन पे जो 1559 से था, और ये किला भी तभी का है. लेट 1600 में या 1500 में इस किले का निर्माण करवाया गया पोर्चुगीज रूरल जब यहाँ पे शासन था उनका. उनके शासन काल में जो मुगल थे उनसे ये जगह बचाने के लिए इस फोर्ट का निर्माण किया. अभी तो यहाँ पे एक स्मॉल एंट्रेंस है और इसकी दीवारें बहुत सुंदर दिखती है. चले हम अंदर चल के देखते हैं ये फोर्ट कैसा दिखता है. पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे. अभी सुबह के शायद 9:30 बजे हैं लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए चलते हैं. This is beautiful entrance of Moti Daman Fort, which is constructed in late 15th. By the Portuguese rural of this Daman. यहाँ पे क्लीनिंग का काम भी चल रहा है. ये इसकी दीवारें. So something is written on this wall, और Portuguese emblem भी है. उनके चिन्ह अच्छा ये ASI का नोटिस है अगर कुछ पानी भी नहीं पहुंचाई वाला. काश ये मोबाइल दिखा पाता पर वो समझता भी नहीं वो किस लैंग्वेज में है. तो it has a massive doors. अब टूट रहे हैं सब. और यहाँ से एंट्रेंस है तो बहुत सी गाड़ी आती जाती रहती है. But there is something written here. और उस पे डेट दिखाया गया है 1789. कुछ लिखा भी पोर्ट वगैरह. यहाँ पे कुछ स्टैचूज है. पोर्चुगीज आर फ्रॉम पोर्चुगल.
let it try to read it out. What is this? Aspai my ode 1789 se pods esta porta something. Pata nahi kya tha. So that is the entrance where I came. I'll show you a beat. It looks amazing, I tell you. और यहाँ पे कोई भी नहीं आता है. पता नहीं क्यों. वहां पे क्रॉस होगा. यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है ये येलो कलर का और ये पुराना रास्ता होगा. ओह माय गॉड लुक एट दिस वे. बहुत दूर तक ये रास्ता जाता है. नो आई कैन नॉट शो यू प्रॉपरली. चलिए चलते हैं अंदर. आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली मैं दमन पहुंच गया बिकॉज आई स्टे बैक व्हेन आई वाज वर्किंग इन रेडियो इन गोवा. और वो भी पोर्चुगीज कैपिटल ही था जैसे ये है. मुझे लगता है इसके काम चल रहे हैं. ये वाला एंट्रेंस भी काफी ठीक ठाक ही लगा. अब पूरा जो फोर्ट है अब उसके बस इधर उधर की दीवारें बची हैं जैसे हर फोर्ट के साथ होता है. तो ये है मेरे पीछे दिखने वाला सभी मतलब मोटी दमन फोर्ट यानी कि बड़ा फोर्ट बड़ी दमन का फोर्ट व्हाटएवर यू कॉल्ड इट. ये पूरे फोर्ट पे बस मैं अकेला हूँ जो इतने सुबह आया हूँ. सुबह इन द सेंस अभी यार अभी 10 बज रहे हैं. देखो मैं जैसे सुबह 8:30 बजे घर से निकला. घर से यानी कि वापिस से निकला मेरे होटल से वापिस से. फिर मैंने वापी के एक ब्रिज मतलब मेरा जो होटल था वापी मार्केट के साइड में वहां से एक ब्रिज है जहाँ पे शायद वंदे मातरम भी लिखा था. तो ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से 10 रुपये में आप दमन आ सकते हैं. दमन से आप उतरने के बाद दमन के ऑटो से आप ये दमन बस स्टैंड तक आ सकते हैं. और वहाँ से बस स्टैंड से आने के बाद फिर आपको मोटी दमन आने के लिए ऑटो मिल जाता है. और ये सब 10-10 रुपये वाले ही ऑटो है. सो कोई ज़्यादा पैसे वाली बात भी नहीं है. चलो और भी दिखाता हूँ कुछ इस फोर्ट का. मतलब ये फोर्ट में तब शायद एंट्री ना होती हो नॉर्मल लोगों के लिए क्योंकि वो पानी वाला कनाल देखा है आपने. सी हियर इज अ कनाल. तो यहाँ पे शायद वो पुल बनाते होंगे. आई डोंट नो क्या कीड़े हैं यहाँ पे छोटे छोटे. And I am the only one here. ये वाले रोड से ही मैं आया हूँ जो एक गाड़ी जा रही है ना. हाँ वही. वाओ मतलब फोर्ट तो काफी देखे हैं मैंने पर ये थोड़ा अलग टाइप का फोर्ट है. और यहाँ पे सीमेंट्री भी है शायद ब्रिटिश सीमेंट्री यू कैन से. पता नहीं क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई इस फोर्ट को बनाने में. सी हाउ
मैसिव इट इज, मतलब आप चल के जा सकते हैं। बालापुर का फोर्ट मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, और भी कई सारे दिखाए थे। उसमें अलग तरह की ईंटें थी, इसमें देखो ये शायद समंदर वाली मतलब आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज। चार सौ साल पोर्चुगीज ने इस जगह पे राज किया। डीडी दमन एंड दीव। सो इस तरफ तो कुछ नहीं है। सिर्फ इसका पीछे का छोर है मोटी दमन फोर्ट का, तो वो जाके देखते हैं। पहले हम मेन एंट्रेंस के पास का भी मैंने देखा नहीं है, वो भी हम देखते हैं। पर दमन इज़ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ सिटी, एंड ये ना थोड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज है, तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे प्रदूषण होता है। मैंने तो काफ़ी दो तीन बार लोग देखे कि जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं चेहरे पे। सो इफ़ यू आर ऑल्सो कमिंग हेयर बी केयरफुल अबाउट इट। पानी भी इतना अच्छा नहीं है, सो मतलब आपको सूट होने वाला नहीं है, अच्छा होने का मतलब। सो यू वॉन्टेड टू, सो इफ यू वॉन्टेड टू ड्रिंक इट, ड्रिंक मिनरल वाटर, नहीं तो टैप वाटर पर पूछ लें कि कहाँ का है। एंड आई एम रिच। ये जो समंदर के पास ईंटें नहीं मिलती है, वैसे वैसे कुछ स्ट्रक्चर की ईंटें है ये। Look at it. Wow. चलो दो लोग तो आ गए। आई कैन सी टू पीपल देयर, और तीसरा मैं, तो हम तीन लोग ही घूम रहे हैं। वन मोर थिंग मुझे बतानी है कि हाँ देखो हमने वहां से देखा था ना, यहाँ से शायद खेती भी हो सके। ये क्या बना के रखा पता नहीं। ये शायद देखने के लिए हो कि नीचे क्या हो रहा है। तो यहाँ से वो पोर्चुगीज सिपाही देखते होंगे, यार समवन इज डाउन, समथिंग लाइक दैट, उनकी लोकल लैंग्वेज जो पोर्चुगीज है। वैसे गोवा में पोर्चुगीज मिल जाते हैं आपको, पर वो अभी बहुत कम मिलते हैं, पॉपुलेशन उनकी बहुत कम हो गई है। आई एम सेइंग अबाउट इंडियन पॉपुलेशन ऑफ पोर्चुगीज पीपल। चलिए हम वो टावर के पास चलते हैं, वहां से मुझे लगता है पूरे काफी दूर तक ये फोर्ट फैला हुआ है। और यहाँ पे ना दमन में बहुत कम नारियल के पेड़ है, ये पता नहीं किसका, ये किसके चीज के पेड़ है, तो बहुत पुराने लग रहे हैं। आई थिंक ताड़गोड़, आई डोंट नो, पर गोवा में एक फ्रूट होता है जिसके अंदर से सफेद सफेद कुछ निकलता है, उसको ताड़गोड़ बोलते हैं। एंड वी रीच द टावर।
again there is a small watching point जहाँ से दिखता होगा ये कि अंदर से से दिखते हैं। Oh my God. Hello. चलिए मैंने ऐसे वाला दिखाया अभी आपको। मुझे लगा है किले के लिए दीवार बना रहे हैं, वो शायद रोड के लिए बना रहे हैं, ये ब्रिज है। व्हाटएवर द रीजन इज, कुछ तो बना रहे हैं। वहां से भी रास्ता है। सो अभी ऐसे हालत है जैसे पन्हाड़ा फोर्ट की थी कि सारे लोगों ने फोर्ट पे इधर उधर घर बना लिए। डर लगता है, पर इस कुएं में पानी है और वो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है। कैमरा ना दिखा सके। यहाँ पे जो कैनन बोलते हैं तोफ वो है, ये मोटी दमन फोर्ट है। सी मैं भी पोर्चुगीज पीपल बोलते होंगे कैसल, बिग कैसल, स्मॉल कैसल। यहाँ से रास्ता भी है। I think I have reached the end. इस तरफ maybe. चलिए अब चलते हैं सामने की तरफ। एक गेट है इसका पीछे मेरे। I hope कि वहां से नीचे जा सकते हैं। मैं तो ऐसे पूरा दमन घूम रहा हूँ चल चल के। शायद ये रिवर की तरफ से ही बहुत ज़्यादा ये आते हो, दुश्मन आते हो, क्योंकि यहाँ पे सात तोहफे रखी हुई हैं। माय गॉड, दिस इज अ वेरी मैसिव। और इस पे कुछ निशान भी है, इस पे ये निशान है। यहाँ से वो ऐसे भरते हो गए, क्या बोलते हैं उसको, माचिस की तीली लगा के। यहाँ पे भी एक निशान है।
आई डोंट नो 16 कुछ डेट भी लिखी है लेकिन वो समझ में नहीं आ रही है, और ये निशान उस पे है, ये सेकंड नंबर की तोफ के बाद आती है, थर्ड नंबर की है, उस पे जेड लिखा है, ये तो टूटी है, इस पे भी एक निशान है, ये शायद बहुत पुरानी हो, इस पे एम्बलन का निशान है उनका, देखिए ये, और ये मैंने डोर पे भी दिखा था, पर ये अब मिट चुका है पूरा, एंड दिस इज द लास्ट वन, इस पे कुछ भी नहीं है, सामने क्या है, सो दिस इज हाउ दे ऑल लुक, आई लव दमन करके लिखा है, वो जेट्टी है, पहले ये देख लेते हैं फिर उधर चलते हैं, यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है पर वो बंद है, लुक एट द व्यू, पता नहीं क्या काम चल रहा है यहाँ पे, ये टॉवर वेदर के लिए होगा शायद, और ये लाइट हाउस, और ये पूरा समंदर, ये थोड़ा बड़ा है, हाँ ये हार्बर, चलिए और भी जगह हमको देखनी है, वी नीड टू गो आउट, मी सध्या मोठी दमन या फोर्ट वर आहे, इथे दोन भाग आहेत, म्हणजे खुर्द आणि बुद्रुक, जसं खुर्दला हे लोक नानी दमन म्हणतात आणि बुद्रुकला मोठी दमन किंवा मोठी दमन, तो मैं अभी फिलहाल तो मोठी दमन फोर्ट पे हूँ, इसका पूरा वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप इस वीडियो का इंतज़ार करिए आप सब लोग, चल चल के मेरे पैर अभी दुख रहे हैं, व्हाट डू आई डू, इट इज वेरी मैसिव फोर्ट, और बीच बीच में कुछ कुछ जगह लगती है, जैसे पीछे कुछ मोनेस्ट्री है जो टूटी हुई है, गिर जाएगा, यस उसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा इस तरफ से आया हूं, अकेले अकेले ने मैंने पूरा फोर्ट देख लिया, मेरे साथ सबसे पहले तो दो, एक लड़का और लड़का, आई गेस हस्बैंड वाइफ होंगे वो,
वो थे, आधे घंटे बाद वो दिखे मुझे फोर्ट देखने के लिए, और उसके बाद एक फैमिली जो मेरे पीछे थी, मतलब 7 लोग कंप्लीटली। अभी टाइम हो गया है 10:30 बजे, 10:30 भी नहीं। आई गेस इट इज सी समंदर। ये सबसे पहले बनाया होगा उन लोगों ने, इसीलिए वो ये इतना बड़ा है। कितने छोटे छोटे एंट्रेंस है इसको, बड़े बड़े तो 2 एंट्रेंस मैंने अभी तक देखे है। अभी तो खेती भी होती है यहाँ पे। ओ माय गॉड, देयर इज अ पीकॉक्स, मोर। वाओ, मैं उनको पकड़ के क्या करूं वैसे भी। दे आर वेरी स्वीट एनिमल्स एंड आई लव देम। आई थिंक अब उसके आगे तो मैं नहीं जा सकता वैसे यहाँ से। गिर गया तो बैंड बज जाएगा। चलिए चलते हैं। देखो उस तरफ भी है थोड़ा किला बचा हुआ। चलो रिटर्न। ये कुछ यूनाइटेड टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव ने पब्लिक डोंट्स के बारे में लिखा है, जैसे नो ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल बेवरेज इन पब्लिक प्लेसेस, नो ड्रिंक एंड क्रिएट nuisance at public places and with family, life is precious, don't drink and hurt yourself and others, don't drink outside the wine shop, ultimately bas yehi likha hai, drinking mat kare, drinking karna galat hai, bas ye log mane to bahut achhi baat hai। और ऐसा लिखना तो उससे भी गलत बात है। द सेम नोटिस। चालन चालन दमलेत माझे पाए, इट मीन्स चल चल के बहुत पैर मेरे दुख रहे हैं। यहाँ पे अभी क्लीनिंग हो रही है, अभी 11 बज रहे हैं। और मुझे एक बात याद आई है, वो गोवा की है। गोवा इज़ वेरी रिलैक्स्ड स्टेट, तो उन लोगों को बोला जाता है गोवन पीपल वेरी सुशाकात, वेरी रिलैक्स। और मुझे वैसा ही कुछ यहाँ पे लगा, क्योंकि 11 बजे कौन साफ सफाई करता है यार। पर यहाँ पे बहुत पत्तियाँ गिरती है, तो शायद करते भी हो। तो मेरे पीछे मैंने पूरा आपको ये फोर्ट घुमाया, इसको मोटी दमन फोर्ट कहते हैं। ये फोर्ट का 2nd entrance है, और मोस्ट ऑफ द फोर्ट मैंने आपको घुमा ही दिया है। ये ऐसा एक नोटिस लगाया इस एंट्रेंस पे भी, इसको 2 entrance है और पूरे 400 acres में ये फोर्ट फैला है। यानी कि मुझे लगता है हाफ ऑफ द दमन ये फोर्ट फैला हुआ है। मतलब अंदर कुछ नहीं है, बस दीवारें हैं, दीवारें ही काफ़ी
दूर दूर तक फैले हुए हैं। यस दैट इज़ द पोर्चुगीज एम्बलम, और कुछ लिखा भी है पोर्चुगीज़ में। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि जो पोर्चुगीज़ ऑफिसर थे वो सऊदी के तरफ जा रहे थे, सऊदी अरब की तरफ, पर स्टॉर्म के वजह से उनका जो जहाज़ था वो ये दमन की तरफ रुका, दमन की तरफ आके गिरा, और ऐसे करके उन्हें इस जगह के बारे में पता लगा। और फिर ये जगह काफ़ी अच्छी थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं पे ही अपना राज्य स्थापित किया जाए। और ऐसे फिर वो इस जगह पे आया और इस जगह को कॉन्कर किया, और मुग़ल से बचाने के लिए उन लोगों ने ये फोर्ट बनाया है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो आई होप कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस जगह पे ज़रूर आइए। नासिक से ये जगह 6 घंटों की दूरी पे है। नासिक से वापी आइए और वापी से 10 किलोमीटर यानी कि 10 रुपये में आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। पर नासिक से बहुत जल्दी निकलिए आप सुबह, तब आप शायद आप ये जगह पहुंच जल्दी पहुंच पाएंगे, वरना अंधेरा हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। देर आर मैनी पीपल हु कम हियर, बट जो क्वांटिटी गोवा में आते हैं जो लोग, उनसे बहुत कम है। गोवा में काफ़ी लोग आते हैं, कंपेयर दिस दमन, दमन में बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पे भी एक ये दमन और दीव का पुराना सिंबल दिखाया है। तो चलो ऐसे ही और मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं किसी और जगह पे, किसी और जगह पे किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू एंड बाय।